अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। न्यू व्लॉग के साथ आपके सिस्टर हाजिर है एज यूजुअल, हंसती ही मुस्कुराती हुई। एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अब हम जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं आपको उसके लिए मेरा व्लॉग देखना पड़ेगा। और बहुत लेट हो चुकी हूँ मैं, और हम जा रहे हैं मोहम्मद। आज हम मिलाद में इनवाइट हैं, तो मिलाद में जाना है और अभी हम वहाँ चलते हैं, आप लोगों से मिलते हैं मिलाद के अंदर। देर बहुत हो चुकी है, मेरा बेटा मुबशिर आया, फिर आके इंग्लिश लैंग्वेज क्लास लेने चले गए, तो मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ ऑलरेडी। और बस हम जा रहे हैं, वहाँ जाके मिलाद में मिलते हैं और देखते हैं कि किस तरह मैं बना पाती हूँ। और चले ठीक है, मिलाद में मिलते हैं। चले भाई, बिस्मिल्लाह खाने रही। यहाँ हमारा खाना खुल चुका है, मिलाद था, मिलाद बहुत ज़बरदस्त रहा। और यहाँ बनना है भाई बिरयानी, बनी है चिकन बिरयानी है, और मीठा भी है ज़रदा, वो भी आता है। बस हम सब्र नहीं हो रहा, हम खाना खाते हैं, खाने के बाद मिलते हैं। और यहाँ भाई बड़ी टेस्टी लग रही है बिरयानी और ज़रदा। चले बस ठीक है, खाने के बाद हम आपसे अपना कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। फाइनली फाइनली हम आ चुके हैं, और सर में इतना शदीद दर्द हो रहा है, इतना शदीद हो रहा है दर्द हो रहा है। और गैस नहीं होती हमारे घर में इस टाइम, गैस नहीं होती कि हमें एक कप चाय बना लें। और बाजार से चाय मंगाएं यार, 100 रुपए का एक कप आता है चाय का। जब मेहमान आते हैं तो मंगवा ली जाती है, लेकिन तो मुझे तो 100 रुपए बहुत खटकते हैं कि मैं 100 रुपए का एक कप मंगाऊंगी चाय का। लेकिन बाद जब बहुत सर में दर्द होता है ना, बहुत नीड होती है चाय की, मेरा बेटा लेकर भी आ जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज है, बहुत दिल कर रहा है चाय पीने, लेकिन मंगाऊंगी नहीं भाई। 80 रुपए की चाय, बहुत 80-90 रुपए की हो चुकी है, फालतू पैसे खर्च करें हम नहीं। सबर कर लेंगे, हम सुबह पी लेंगे चाय। सर में बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, वाकई मैं थक गई हूँ। और ना मिलाद भी गई, और बस थोड़ा सेंसिटिव हो गए, हम कहीं जाते ही नहीं है ना, कहीं जाए तो हमारा सर में दर्द जाता है। और थोड़ा हमारा खून भी थोड़ा हल्का है ना, तो मैं जल्दी नजर भी बहुत जल्दी लग जाती है। और बस समझ लिया मेरा सर में सब बहुत दर्द है। चले ठीक है, इस व्लॉग को मैं अभी एंड करने आई हूँ। मैं अपने ससुराल की तरफ से गई थी, मिलाद था वहाँ पे ससुराल के साइड पर हमारे, तो वहाँ जाना जरूरी था। हर जगह के मैं रिश्ते निभाती हूँ, ससुराल के हों या मैके के हों, यहाँ तक कि मैके को अवॉइड कर देती हूँ। इस वजह से मैका मेरा कराची में है, तो कुछ जगह मैं जा नहीं पाती, लेकिन ससुराल के सारे फंक्शन अटेंड करती हूँ। किले गए थे, शहर तो है बेटा, लेकिन वो किला किला आता है ना। हमें देखने वाले जो हैदराबाद आते होंगे उनको पता होगा किला, लाल किला होता है किला। यहाँ जहाँ जहाँ वहाँ गए थे हमारे 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 अम्मी सास के साइड के रिलेटिव रहते हैं कुछ वहाँ पर, तो हम वहाँ जाते हैं। और काफी टाइम बाद जाना होता है इस जगह, जाते हैं खूब इंजॉय करते हैं, वहाँ पर काफी रिलेटिव रहते हैं हमारे, तो कराची के भी ऐसी बात नहीं है जो करीबी हो, तो उनके इवेंट में अटेंड करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। चलो बस ठीक है, इस वे। और आज हम मिलाद में गए, और क्या जबरदस्त बिरयानी बनी थी, बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी, और जर्दा भी बहुत अच्छा था। और बस हमने जर्दा बिरयानी खाई, और उसके बाद दिल कर रहा था अच्छी सी गर्मा गर्म चाय मिल जाए, लेकिन चाय नहीं मिली, कोल्ड ड्रिंक मिल गई। अच्छा, उसके बाद अब मैं घर आई हूँ ना, तो घर आके दिल कर रहा है कि बस फिलहाल वापिस इस टाइम व्लॉग को कर रही है। एंड मेरे बहुत शदीद सर में दर्द हो रहा है, और इस व्लॉग प्लान करूंगी जब व्लॉग स्टार्ट करें ना, आप लोग लाइक का बटन लाजमी दबा दें, अच्छा सा कमेंट कर दें, जो मैं आपसे बार 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 बोलती हूँ। और बार बार ये भी बोलती हूँ, जो अनसब्सक्राइब है सब्सक्राइब कर दें, ऐसा ना करें। आप किसी को सपोर्ट करें तो खुलकर सपोर्ट करें। वैसे भी तो आप व्लॉग देख रहे हैं ना, तो हमें सब्सक्राइब कर ही देख लें, क्या जाएगा आपका। हाँ, तो ये है कि अब वार्निंग दे रही हूँ आप लोगों को,
जो अनसब्सक्राइब है सब्सक्राइब कर दे वरना अच्छा नहीं होगा, और जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं और जो सब्सक्राइब हैं जो मेरे व्लॉग देखते हैं और जो मुझे सपोर्ट करते हैं उनके लिए मेरे सिस्टर की बहुत सारी दुआएं, और जो अनसब्सक्राइबर हैं जो दुआएं लेना चाहते हैं नो डाउट अपनी दुआ देती हूँ, लेकिन जो अनसब्सक्राइबर हैं जो मेरे व्लॉग देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे उनके लिए बहुत सारी दुआएं मैंने रखी हैं। और ये तक बोला है कि जो भी लोग की दिली ख्वाहिश है सब दिली ख्वाहिश पूरी करे, उनके सदके में मेरी भी दिली ख्वाहिश पूरी करे, जो मेरी है अल्लामिया जो ख्वाहिशात है उन सबको पूरी करे, आमीन तुम आमीन। अब नेक्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा बस ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूंगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपकी सिस्टर जल्द मिलेगी। अल्लाह हाफिज। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं। जी ये देखें मेरा चिकना चिकना सा पुलाव, बड़ा मजीद अच्छा सा मैंने बनाया पुलाव, दम पे रख दिया है और मजीद में महफिल हो रही है। ये देखें इसका फाइनल लुक दिखाएंगे, हमने इसको रख दी है दम पर, और ये देखें हरी मिर्च रख दी है, और पता है मुझे ऐसे ही चावल पता नहीं चमक रहे हो लाइट मार रहे हो। आज हमने बनाया है पुलाव, लेकिन कलर डाल दिया, मेरी अच्छी आ रही है कलर, अरे डाल दिया बिरयानी मांगे ना उसे, फ्लेम थोड़ा लाइट कर देते हैं पता चले लग जाए, ठीक है। मोहम्मद हुसैन को लग रही थी भूख, हेरा मोहरा मोहम्मद हुसैन मस्जिद में महफिल हो रही है, अब गई ना आपको घर सामने क्या बोला है, नमाज पढ़ो, खाली रोटी खाली खाली रोटी चलो वो पी लो, ठीक है अल्लाह का शुक्र, कल से नमाज पढ़ने भेजो घर साहब ने बोला है आपके। खाना सीख रही है तो भाई हम अपने हाथ देंगे अपनी बेटी को तो उनको लगाना आएगी, अभी इन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं दी, ट्रेनिंग पे नहीं जाती, घर में ही लगाना सीख रही है, मैं भी लगा ही लेती हूँ, जिसकी ड्राइंग अच्छी हो ना तो मेहंदी लगाना जल्दी सीख जाता है। तो मेरी शहजादी अभी फिलहाल हाथ गंदे करेगी फिर अच्छे भी बनाएगी। ये देखिए मेरी शहजादी ने बनाया भाई, अप्रिशिएट करना चाहिए बच्चों को, और इस तरह हाथ गंदे करेगी ना फूल बनाएंगे फिर दिखाएंगे ना, भाई यहाँ भी लगाना मेहंदी, ठीक है चले हम फूल बनाते हैं तो फिर हम आपको दिखाएंगे। ये मेरी शहजादी को दिखाओ, चलो क्या ना कम्प्लीट हो जाए फिर दिखाएंगे। देखिए पहाड़ बनाने लगी, चोटी के पहाड़ बनाए इन्होंने देखे, और मजीद गंदा हाथ होगा लेकिन नो डाउट अच्छा लग रहा है मुझे मेरी बच्ची, ये आपको गंदा लग रहा है, हाँ जब बन जाएगी ना तो अच्छी आएगी तस्वीर में। और यकीन करें मुझे नींद नहीं आती है, आज मेरी बेटी ने मुझे सुना दिया, ये देखे अच्छी लगाई है, अनाभी अब लगाना सीख जाओ, मामा के लगा दिया करना, ठीक है। अरे कि मेरी बेटी इतनी अच्छी मेहंदी लगा देगी देखें, और इसने कोई क्लासेस नहीं ली है, ये घर में ही लगाना, ये देखें ये भी लगा दी कोने एंड पे थी, ये क्लासेस कहीं नहीं ले रही है घर में खुद लगा रही है, उसने बहुत जबरदस्त मेहंदी लगाई है बगैर सीखे, और वेल डन अनाभी बहुत अच्छी आपने मेहंदी लगाई है। जी अनाभिया बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है आपको, होलिया क्या होगी मेहंदी लगाने, आप ऐसी होगी आपकी कहीं क्लासेस दूं लेनी है आपको क्लासेस मेहंदी सीखने की, ऐसे ही ऐसे करें मामा के हाथ पर ट्राई करते रहें तो आपको लगाना आ जाएगी।